तो बच्चों पहला वाला कैपेसिटर अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर को पढ़ने में हमको दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखना है जो ऑलरेडी मैं आपके क्लियर करा चुका हूँ। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला वी विच इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, राइट। सेकंड कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज़ होगा वो भी मैं आपका क्लियर करा चुका हूँ कि इफ़ यू हैव टू प्लेट, प्लेट ए एंड प्लेट बी ऑफ चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट वन पॉजिटिव सेकंड वन नेगेटिव, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन देम इज गिवन बाय द फॉर्मूला ई विच इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बस तो बच्चों ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप इसको बहुत ईजीली पढ़ पाएंगे। तो ध्यान से देखें, दिस इज द फिगर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट कंसिस्ट टू प्लेट, प्लेट ए एंड प्लेट बी ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी। व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द प्लेट ए, इट इज इक्वली स्प्रेड ओवर इट्स सरफेस, बट ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस्ड ऑन द इनर फेस एंड पॉजिटिव चार्ज विल इंड्यूस्ड ऑन द आउटर फेस विच इज न्यूट्रलाइज बाय अर्थ, राइट। तो बच्चों ये हमको दिख रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिगर। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में दो प्लेट हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन दोनों प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है और सेपरेशन डिस्टेंस देख सकते हैं कितनी है, स्मॉल टी, राइट। जब हम प्लेट ए को चार्ज देते हैं तो चार्ज इसके पूरे सरफेस पे इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आपने देखा होगा जब प्रिंसिपल हम पढ़ा रहे थे कि इंडक्शन फिनोमिना काम करता है, मतलब प्लेट बी के इनर फेस पे नेगेटिव और आउटर फेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देख सकते हैं कि सिंस यर प्लेट बी इज अर्थ इन, देयर फॉर वॉन्ट कि टोटल पॉजिटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज बाय अर्थ। क्लियर हो गया? अब फिर ध्यान से देखो, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट ए एंड नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन देम विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो क्या होगा बच्चों, एक पे हमारे पास में पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा था कि नाउ दैट टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस इन बिटवीन देम इज गिवन बाय द फॉर्मूला, क्या होता है, ई विच इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुके हैं, पहले आप पढ़ लीजिएगा, है ना, गॉस थ्योरम में कराया था। बट वी ऑलरेडी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये सिग्मा की वैल्यूज बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा हमारे पास, ई विच इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो क्या निकाल दिया हमने इनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट कैपेसिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए इनके बीच में, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो आगे बात करें, देखो यहाँ पे, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी, सिंस फील्ड इज यूनिफॉर्म देयर फॉर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला ई विच इज इक्वल्स टू वी बाय डी विच इज इम्प्लाइज दैट वी विच इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास में ई की वैल्यूज है, सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज वी विच इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट into D. But we know that by the definition of capacitor C which is equals to Q by V. V की values है, substitute करो, देखो Q Q cancel, क्या है यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओ तो फाइनली हमारे पास में आएगा C which is equals to A epsilon naught by D. Now the unit of capacity is farad. अब बहुत ध्यान से देखना, ये है फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटर। क्या बोलना चाह रहा है वो, कि विच इज इंप्लाइज दैट सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाय डी, दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट ए। दैट मीन्स फॉर के एज वी इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ द प्लेट देन कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज है। तो बच्चों ये बता रहा है हमको कि जो कैपेसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, अगर हम दोनों प्लेट्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करें तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड वन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन डिस्टेंस, दैट मींस सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। दैट मींस व्हाट, कि अगर इन दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या करें, इंक्रीज करें, तो कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या करें, डिक्रीज करें, डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी क्या होगी,
इंक्रीज होगी। दैट मीन देयर आर टू फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकेंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त याद रखना द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम। तो नाउ दैट टाइम द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी विच इज इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब ये तो अभी देखा था कैसा था हमारा पूरा कॉन्स्टेंट, दैट मीन दैट टाइम कैपेसिटी इज हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीजेस, तो इट इज इंक्रीजेस के टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो बच्चों ये केवल न्यूमेरिकल करते वक्त हमको फार्मूले को याद रखना है कि जो भी मीडियम हमको दिया उससे क्या करना है, हमको उसके मैग्नीट्यूड से हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके okay?